तुम क्यों नहीं टैक्स जमा करवा रहे आप लोग? टैक्स जमा करा दी है, नंबर नहीं लिखवाया हुआ मैंने। अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी ये रोड पे चला रहे हैं। ओ तो इनकी गाड़ी इसलिए जाना, इस गाड़ी को हम लोग बंद कर रहे हैं। या तो अपनी फाइल मंगवाएंगे इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए, फाइल इनकी जो है हम लोग डिटेन कर लेंगे और फिर गाड़ी इनके रिलीज कर देंगे। ये आपने नंबर नहीं लगवाया हुआ? नहीं अभी नहीं लगवाया, अभी ऑफिस के दफ्तर जो हो गया है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कल आना, अब हमारा स्टाफ गया हुआ है ज्यादा, कल कल आप आए, कल आपका नंबर लग जाएगा। ड्यूटी भी नहीं करते आज हमारा, आपका स्टाफ ही नहीं ड्यूटी पे, वो कहाँ से नंबर लगवा लें? बगैर नंबर के स्टाफ ड्यूटी पे और बगैर नंबर की गाड़ी रोड पे चला रहे हैं। आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, मैं अभी एक और गाड़ी करवाने का था, वैगन आर का HP अलबरका से मैंने करवाई हुई थी। मैंने कहा रिमूव कर दें, मैं बताता हूँ इसको, मैंने कहा रिमूव कर दें, वो मुझे कहते हैं मेरा स्टाफ ड्यूटी पे नहीं है, आप ऐसा करें कल आए। मैं आप इस गाड़ी का नंबर लगवाने गए हैं? रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में रखी हुई है, वो ऑफिस में मौजूद है, रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। आप अभी नंबर लगवा सकते हैं इसका, ये देखिए अभी भेजा उसको, कितने 23 तरीके का भेजा हुआ है आपके बंदे को, प्राइवेट पर्सन ने भेजा ना ये, क्या रिकॉर्डिंग तो सुनाएं, रिकॉर्डिंग सुनाने लगे था? नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप, एक्साइज के बंदे ही नहीं बैठे हुए थे? अंकल आप तो बिल्कुल सच बोल रहे होंगे। मैं झूठ बोलने में नहीं, मुझे पता आपका पता लगा, झूठ बोलने में दाना भेजता हूँ। आप लोग गए हैं आज ऑफिस? हाँ ऑफिस गए हैं। और इनके बंदे नहीं बैठे हुए? नहीं बैठे, उन्होंने आज मेरे बंदे ड्यूटी पे नहीं है, ये आप कल आए। अच्छा, अब इधर इन्होंने पकड़ लिया, पकड़ लिया, हमने कहा नंबर लगा दें, अभी अभी भी लगा लगवा रहता हूँ, नंबर लगवा अभी लगवा लेते हैं। लेकिन ये इनका ड्यूटी नंबर लगाना तो नहीं है क्यों जी? हमारे बंदे ऑफिस में बैठे हुए, ये फाइल मंगवाते हैं, इनका नंबर अभी लगवाते हैं। तो अभी तो आप कहाँ जा रहे थे? अभी मैं घर ही जा रहा हूँ, फेस 5। तो कोई मतलब कि बिजी तो नहीं है आप? नहीं, नो इशू, अभी लगवा लेते हैं, अभी खड़े हैं, हम नंबर लगवा लेते हैं। बगैर नंबर के इनको गाड़ी तो चलानी चाहिए आप? सर बताएं, आप बगैर नंबर की गाड़ी चलानी चाहिए? ये कब लिया माशाल्लाह आपने? मैंने ये 22 को, 22 को ये भी 22 को, मैं कैसे 2022 गाड़ी में वेपन हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इस गाड़ी में वेपन हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो है विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी जो है वो कर सकती है। जो किसी उसकी शिनाख्त कोई नहीं है ना? हाँ जी, एक्सीडेंट कर सकती है, तो इस इन गाड़ियों पर तो बेसिकली तो FIR देनी चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं इन गाड़ियों पे तो FIR होनी चाहिए? हमारी हम ये जाते हैं ना अपना आर्मी में, वहाँ से ये वहाँ से उन्होंने हमारा सारा नंबर भी लिखा हुआ है, वो जहाँ से हम। अच्छा, आप कह रहे हैं FIR, आप मुझे बताएं, आप एक रूल बताएं, फिर आप लोग निकलवाते ही क्यों? आप लोग कंपनीज को डायरेक्ट कहें कि गाड़ी दे ही ना शोरूम, जब तक नंबर नहीं लग रहा, जब तक नंबर नहीं लग रहा आप पे बताएं फिर मुझे। शोरूम्स को एक्सेस दी गई है DVRS के जरिए, वो गाड़ियाँ वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन मेरी क्यों नहीं की उसने? आपने जिस डीलरशिप से गाड़ी ली है, मे भी उनके पास लाइसेंस नहीं होगा। उनके पास लाइसेंस नहीं होगा बाबू, उसको जाके पकड़े, नाम देखे, पकड़े उसको। आप पैसे दे के आए हैं शोरूम वाले को पकड़ने? आप पैसे दे के आए हैं, उसको एक माह हो गया है, आप फाइल ला के दफ्तर इसको नंबर लगवाए, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप गाड़ी पे प्लेट भी नहीं लगा रहे, मुझसे कह रहे हैं आपका नाम क्या है। अच्छा, आपने इनका नाम पूछा? आपने बड़े गुस्से से कहा कि आपने अपने दूसरे बंदे को कहा कि ना इनकी गाड़ी बंद करें, आपने जैसा पुलिस वाले नहीं कहते, आप इनकी गाड़ी बंद करें। पुलिस ही है ना, शायद पुलिस गुस्से में कहा है बड़े कि गाड़ी बंद करें। साहब का नाम बताएं, बताएं बताएं। वहाँ पर आफत साहब है, वहाँ पे आपके ऑफिस में। हाँ जी, जिसके पास हम गए हैं आज। हाँ जी, उन्होंने कहा ये हमारा स्टाफ नहीं है, अगर किसी को नहीं रोका जाएगा, इधर तो लॉ ही कोई नहीं है, या तो रोकता ही कोई नहीं, या तो पूछता ही कोई नहीं। अगर किसी को रोक लेते तब भी मसला है, तब भी मसला है। ये माशाल्लाह, वैसे कितने की ली आपने गाड़ी? मैंने लिए 45। वेरी गुड यार, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है? ब्रांड न्यू। सही यार, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बंदा भेज दें, हम अभी लगवा लेते हैं नंबर। फाइल मंगवाया ना? फाइल मैं खुद ड्राइवर वगैरह तो घर पड़ी है फाइल, घर कोई भी नहीं होगा? और नहीं, घर है लेकिन लेडीज हैं घर। हाँ, लेडीज नहीं ना आ सकती। फाइल आप मंगवाएं, ठीक है, तो फिर आपको तो छोड़ दिया, तो आप तो वापस नहीं आने वाले। आप बंदा भेजे साथ, बंदा भेजे साथ, ये वापस नहीं आएंगे? नहीं आते, यहाँ पे रोड पे कौन आता है वापस? फिर अब इन्होंने गाड़ी आपका फिर जिससे ही पाला पड़ोगा, बेईमान से ही पड़ोगा, हम वापस आ जाएंगे। इन्होंने व्हील लॉक करना है मुझे लग रहा है, ये बड़े गुस्से में लग रहे हैं। आप किसी को साथ भेज दें मेरे,
गुस्से की बात नहीं है। नहीं आपके आपका तो वही है ना, पर्सनल कोई ग्रज नहीं। नहीं आपका वो यही है ना कि आप गाड़ी वो यहाँ पे वो जैम कर लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको देखते साथ में वहाँ से मुड़ जाता, अगर मैं होता मेरे दिल में डर होता मैं वहाँ देखते साथ मुड़ जाता या निकल जाता, मेरे दिल में डर ही नहीं, चोर भी नहीं, मैं अपना बंदा भेजें फाइल मैं तो लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो इससे कुछ बच्चे कोई नहीं है। जिस गाड़ी को भी रोकते हैं ना, ठीक है ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, इस गाड़ी को भी रोकते हैं ना, तो उस बंदे को यही मसला होता है कि यार मुझे क्यों रोका गया है, मैंने कोई गलत काम किया है। आप सही रोके आपने, मेरी बात सुने, आपने मुझे क्या रोका है, मैंने वो कहा आपने गलत रोका है, आपने सही रोके, नंबर नहीं लगा, अच्छी बात है आपने रोका मुझे, इसमें कुछ भी हो सकता है। उनका ये कहने का मतलब है कि जो बगैर नंबर प्लेट गाड़ी होती है वो एक्सीडेंट भी करती है, असला भी हो सकता है, सही कह रहे हैं ना, लेकिन आप भी ठीक कह रहे हैं कि आज हम गए हैं तो उन्होंने हमारा नंबर नहीं लगाया। आप अपनी तरफ सही कह रहे हैं कि अच्छी बात है आपने रोक ही लिया है, हमारा लड़का अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ नंबर लगा रहा है, आप फाइल मंगवाएं, मैं अभी उसको फोन करता हूँ, अभी आपका नंबर लग जाएगा, आप पता नहीं किस ऑफिस गए हैं जिसका नाम आपने एक्साइज रखा है कि हम गए हैं वहाँ पे जाना नहीं है जी, हमें तो नहीं पता। वो कह रहे हैं आपने कौन से ऑफिस का नाम एक्साइज रखा था, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं, उनके वाले साहब कह रहे हैं अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ और ये फाइल ले, वाले साहब यहाँ रोक लें जी, वाले साहब को यहाँ छोड़ दें और दूसरा जाके फाइल ले, मर्जी है हमारा, जो गाड़ी के अंदर ड्राइवर है या जो ओनर है उसके साथ कोई नहीं, वो कह रहे हैं कि बेटा जाके गाड़ी भी ले आता है, देखना है कोई अगर कोई गाड़ी बगैर नंबर के चल रही है रोड के ऊपर तो गाड़ी को स्टेशनरी करना है। अच्छा गाड़ी नहीं जाने दे रही, गाड़ी नहीं जाने, जितने जाना वो पैदल जाए या बाइक पे जाए, वो अपनी कोई कन्वेंस अपनी अरेंज कर लें, तो उसका जो लीगल रिक्वायरमेंट है पूरी कर लें, उसके बाद अपनी गाड़ी ले जाए। फिर अभी क्या करना है, ऊपर करा लेता, ये देखें ये ऊपर करवा के जा रहे हैं, आप अपने वालिद को यहीं पे एसी में बिठा के जाएं, आप खुद जाएं, क्या क्या हाल है, क्या क्या आ रहा है, आप गरीब ही रहते हैं कहीं, मैं फेज 5 पे हूं, फेज 5 तो ये फिर ये करवा लेते हैं, लेकिन ये इनका बड़ा अच्छा रवैया था, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बात कर रहे हैं वो ज़रा थोड़ा सा लगता है बिल्कुल ब्रांड न्यू कार ही है, वो कह रहे हैं कि 22 को ली है ये कोई 15-20 दिन पहले, तो अभी कह रहे हैं कि नंबर नहीं लगा, मैं लगवाने गया था एक्साइज के ऑफिस तो उन्होंने लगाया कोई नहीं, और ये मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने कहा मैं आपका अभी लगवा देता हूँ। लाला क्या हाल है, नंबर नहीं लगवाया हुआ, नंबर लगाएगा, नंबर वो पीछे पड़ा है हमारे पास, तो फिर इसको लगाओ, फिर लगाएगा, वो नट बोल्ट नहीं है, वो छूटा था उस वजह से नहीं लगाया। क्या था वो छूटा था, नट बोल्ट छूटा था वो छूटा, तो कहाँ है आपका नंबर प्लेट, नंबर प्लेट ये पीछे पड़ा है, दिखा दो ताकि पता तो लगे नंबर प्लेट लगा हुआ है। ये देखे खान साहब बता रहे हैं कि नंबर प्लेट लेके आए हूँ अभी, ये इनकी गाड़ी इसलिए रोकी कि इसका नंबर प्लेट जो है नहीं लगा हुआ था, ये देखे देखे खान साहब कह रहे हैं कि मैंने लगाया हुआ है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रेम आर्चीज मौजूद है, सही है, वेरी गुड, तो ये लगाया क्यों नहीं, लगाएगा ये वो नट बोल्ट जो है वो छोटा था इस वजह से नहीं लगा, तो अभी आज नया आ जाएगा तो लग जाएगा, सही, तो नंबर आज ही लगवाया, नंबर आज लग जाएगा। अच्छा ये पीछे लगा लिया, पीछे लगाया सर, ये देखें वो कह रहे हैं नट बोल्ट नहीं था सर, सलाम अलैकुम सर, वो नट बोल्ट नहीं था इसी वजह से ये नहीं लगा। हाँ जी सुबह इनको रोका था हमने, आज लग जाएगा, आज वो नट करवा लें, करवा लें, करवा ये करवा लें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, अपने बॉस को भी बता दें, जा ये बता रहे हैं कि नंबर प्लेट रखी हुई है मैडम, ये आपका ना 21 तक आपका टैक्स लगा हुआ है, लास्ट 3 ईयर से आपने टैक्स नहीं पेड किया, ठीक है, 20,910 रुपीज़ आपका टैक्स बन रहा है, वो प्लीज़ आपको PSID जनरेट करके दे रहे हैं, वो पे कर दें, और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होना है ऑन दी स्पॉट पे करने का कि विदाउट पेनल्टी हम आपको कर दें, आप थोड़ा सा प्लीज़ गाड़ी आगे कर लीजिएगा प्लीज़ मैडम, गाड़ी साइड पर कर दें, 3 साल के शॉर्ट हैं जी जी, 3 साल के शॉर्ट हैं इनके, इनको रोकेंगे नहीं, तो ये इसी तरह ये देखें ना, 3 साल के शॉर्ट हैं, 29,000 के लिए मुझे जलील करेंगे मैडम, देखिए मेरी बात सुने, आपने भी तो पे नहीं ना किया, मुझे पता नहीं था, हम आपने बताया आई विल पे दैट, लेकिन मैम ये कह रहे हैं 3 ईयर से पे नहीं हो सका, बट जो आप देखिए 20,000 मैडम, 20,000 है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पे हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये छोटी गाड़ी इसका इतना टैक्स नहीं है, लेकिन 3 ईयर से शॉर्ट है, देंगे इवन देन हम कर देंगे, मुझे तो पता नहीं मैडम, आप स्क्रीन शॉट लें, आप इसका तस्वीर ले लें, और मैडम कितनी देती कर हो जाएगा पेड, क्या मैम को क्या कोई छूट दे रहे हैं कि कल तक जमा करा दें, क्या जी, जी मैडम ने बताया कि ये आउट ऑफ कंट्री थी, तो ये आ जाइए तो हमें इनको रिलीफ देना चाहिए, ये कोरोना से पहले की गई हुई थी और इंशाल्लाह ताला आ गई है, तो आज ही ये शाम को टैक्स पे करने का प्रॉमिस कर रही है हमारे साथ,
मैम ये हो जाएगा, ये वैसे 3 ईयर से पेंडिंग है। बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैडम मुझे दिखा दीजिएगा प्लीज। चले ठीक है मैडम, आपको चांस दे रहे हैं आज के। मुझे नहीं लगता ये पे करेंगे। नहीं इंशाल्लाह पे कर देंगे। नहीं मुझे नहीं लगता, उनको उसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता।